हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो वेलकम बैक टू शिवांगी रेखा व्लॉग्स। दोस्तों तो कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, क्या आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों तो अब जाने का टाइम आ चुका है घर से, तो आज कल सुबह मैं निकल जाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली और कंचू भी है वहाँ, तो कंचू से भी मिलाऊँगी आपको। और तो अभी आज मम्मी घर पर ही थी, तो अभी लंच बन रहा है हमारा। तो लंच में बना रही है आज मम्मी और अगले हरी सब्जी वाला टाइप का कुछ बना रही है। तो मुझे फ्री बना रहे थे, मेरे को खाने का मन नहीं है, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ भटकी चुड़कानी। तो अभी जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ। मम्मी वहाँ पर बना रही है, मैं फटाफट जाती हूँ अपने लिए भी बना लेती हूँ। फिर तो आपसे मिलते हैं गाइस। अभी अभी नहा के आई मैं, क्योंकि सुबह इतना ठंडा हो रहा था ना, नहाने का मन नहीं करता है सुबह सुबह। और अभी मतलब थोड़ा धूप टाइप की आ रही है, तो तब अभी नहाया मैंने, क्योंकि जुकाम बुखार ऐसा खांसी हो रहा था कि नहाने में भी ना ठंडा पानी बॉडी पे डालने में ठंडा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है इसलिए। तो अभी चुड़कानी बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पहले है इंग्रेडिएंट लहसुन, हरा धनिया, लाल मिर्च और जीरा और क्या बोलते हैं लहसुन और लाल मिर्च, जीरा और धनिया। तो इसको मैं अच्छे से पीसूंगी और इस मसाले को डाल दूँगी चुड़कानी में। और यहाँ पर मम्मी वो कर रही मैं ये भटले रखे हैं मैंने, तो ये डालूंगी मैं भटके दाने। इसमें पहले चखिया डाल दिया था, भटके दाने डाल दिए। और ये छोटा वाला पलटा किस चीज़ के लिए निकाला है? क्यों निकाला है इसके लिए छोटा? तो गाइस ये भट भूनेंगे, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि आजकल मॉइस्चर ज़्यादा हो रहा है ना बरसात की वजह से। तो मैं भूटती हूँ पापा की सब्जी, वहाँ पर मम्मी ने चढ़ा दिया चावल। और ये यहाँ पर भट चटक चटक के भूट रही हूँ मैं इनको। कल जा रही हूँ ना यार पहाड़ी खाना खा के जा, यहाँ तो स्वाद ही अलग होता है। ये भट की चढ़कानी मैं देहरादून में बनाऊँगी ना, उतनी टेस्टी नहीं होगी, बट यहाँ के पानी में तो स्वाद ही अलग है पहाड़ के पानी में। इसीलिए वो बहुत अच्छी खुशबू आ चुकी है इसमें, तो अब मैं इसमें डालूंगी आटा जो कि मैं स्टोर करके रखा था। इसमें आटे को भी अच्छे से भूनेंगे हम, ज़्यादा नहीं अपने हिसाब से। आटे को इसलिए डाल दें क्योंकि स्वाद अच्छा होता है इसका। आटे को डाल के इसको मिक्स कर देंगे, अब थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे आटे को। जब भून चुका है मैं इसमें डाल दूँगी पानी, पानी डालूंगी इसमें। कर रही हूँ गाइस नमक ऐड, तो नमक ऐड करके इसको थोड़े से देर पकाएंगे, फिर इसमें जो मैंने मसाला पीसा है पहाड़ी वाला वो डालूंगी मैं। मैंने पीसा बहुत ही पारी पीसा है, और मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड करती हूँ इसमें, हल्दी और ये वाला मसाला भी डाल देती हूँ, दो तीन चम्मच इतना मैंने डाल दिया इसमें। इसको मैं मिक्स कर दूंगी, टेस्ट अच्छा आएगा ना इसका। अब इसको खूब पकाएंगे, अच्छे से पकने देते हैं हम इसको। मेरी फेवरेट है यार भट्ट की चढ़कानी बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, पाउडर। वैसे मैंने पीस के भी डाला है बट अच्छा होगा इसमें। को लो फ्लेम में बहुत देर तक पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता, इसके बाद सर्व करेंगे, आपको भी दिखाएंगे गाइस। मम्मी बना रही है मिक्स वाली हरी सब्जी पापा के लिए, और यहाँ पर मेरा चढ़कानी बन रहा है। ये पापा का फेवरेट है ना ये, तो ये बना रही है मम्मी। अभी इसमें क्या क्या डालेगी? बिसार, अच्छा बिसार नहीं डालते इसमें, मतलब मसाले डालोगे इसमें? दही वाला, अच्छा दही वाला बना रहे। ठीक। ये भट्टे की चुड़कानी, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। जो मैंने भट्टे की चुड़कानी बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुई थी।
चम्मच से इसलिए आ रही हूँ क्योंकि रात का टाइम है, इसलिए तो पहाड़ी खाने चम्मच से कौन खाएगा यार। इधर देखो इतना ऑसम हो रहा है ना आज का, क्या बताऊं। तो अभी मैं छत पे बना रही थी ऐसे रील्स वगैरह, मम्मी ने बना रखा है मटर पनीर और रोटी, तो खा लेती हूँ मैं अभी। मम्मी बना रही है वहाँ पे और मैं वहीं पे ही खाती हूँ यार। बना रही है मम्मी, अभी मैं खाती हूँ। बज रहे हैं रात के 10:30 और मम्मी लोग सो गए हैं और मेरे को ना खांसी हो रही, तो मैं ना अभी दवाई खा के फिर सोती हूँ। लिया था डिनर विनर कर लिया था और मम्मी लोग ना सो गए और मेरे ना हाथ में ना पेन हो रहा है ना, तो मम्मी ने इसमें मूव लगा के गर्म पट्टी कर दिया था। तो अभी ना मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है इसलिए उठी हूँ मैं। अब मैं हनी और काली मिर्च को गर्म करके उसको 1 स्पून खाऊंगी, उसके बाद सोऊंगी और कल मुझे जाना है दिल्ली। और इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, क्या बताऊँ, घर से जाने का मन नहीं कर रहा है यार। यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, और वहाँ इतनी गर्मी होगी, अब क्या बताऊँ मैं क्या करूँ। मुझे ट्रेनिंग करनी है तो जाना पड़ेगा। अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट।